गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 2 से पाठ 7 पापा खो गए पाठ का चौथा हिस्सा पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको पापा खो गए पाठ का सार बताया था, यानी पापा खो गए पाठ का सारांश मैंने आपको बताया था। चलिए आगे पाठ को देखते हैं। यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी, मैं चीखूंगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल देती है। यहाँ पर हमने देखा था पिछले वीडियो के अंदर कि लड़की बोल रही है कि ये तो ठीक लग रहा है, फिर मुझे जो दिखाई दिया, यानी कि वो खुद सोच रही थी कि जो मैंने देखा वो सच था या सपना था। कौन बातें कर रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, यानी कि वो सभी को बातें करते देखकर वो डर जाती है। फिर वो बोलती है कि यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं, कहाँ हूँ मैं? मुझे डर लग रहा है, क्योंकि उसे चारों तरफ अंधेरा था इसलिए उसे डर लग रहा था, और वो बोलती है बोलो ना, नहीं तो मैं चीखूँगी। सभी स्तब्ध हो जाते हैं और लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल देती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेड़ से। अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। लड़की, पहले ऊपर देखती है फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? अब लड़की जब बहुत डर जाती है तो लेटर बॉक्स पेड़ से कहता है कि मुझसे अब चुप रहा नहीं जाता, क्योंकि वो बहुत ही घबरा गई है। तो लेटर बॉक्स लड़की के पास जाता है और उसे कहता है कि बच्ची घबरा मत। अब जब लेटर बॉक्स ये कहता है तो लड़की लेटर बॉक्स को कहती है कि तुम बोलते भी हो, तुम चलते भी हो। लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, मजा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ। नाज पीटो के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। यहाँ पर लड़की जब कहती है कि तुम बोलते भी हो, तुम चलते भी हो, तो लेटर बॉक्स कहता है कि हाँ, आदमियों को देख देख कर मैं चल भी लेता हूँ। तो लेटर बॉक्स कहता है कि वो बोलती है कि मज़ा, अब तो बहुत मज़ा है, क्योंकि लेटर बॉक्स बोलता भी है और चलता भी है। लेटर बॉक्स कहता है कि मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ भजन वगैरह। तो लड़की लेटर बॉक्स से कहती है कि तुम तो बहुत मज़ेदार हो और बहुत ही अच्छे हो,
तब लेटर बॉक्स कहता है कि पर मैं बहुत लाल हूँ, उन लोगों के पास कोई दूसरा कलर ही नहीं था, कोई दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है सपना। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज़ देख लो, यूं ही लगता है, तू रहती कहाँ है। लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर में ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ। लड़की, घर हमारे गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ। लड़की, सड़क पर, आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है, हाँ उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हो, घर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हो, इससे चोरी वोरी भी कम होती है, पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है। अब यहाँ पर लड़की लेटर बॉक्स से कहती है कि तुम सच्ची ना बहुत अच्छे हो, पर मुझे ये सपना लग रहा है, उसे ये सब सपने जैसा लग रहा है। तो लेटर बॉक्स लड़के को कहता है कि जब हम कभी ना देखी हो ऐसी चीज़ अगर देख ले तो हमें वो सपना ही लगता है। फिर लेटर बॉक्स लड़की के घर की जानकारी लेता है कि तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा घर कहाँ है, कौन सी गली में है, उस बारे में वो लड़की को पूछता है। लड़की, नाम, हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स कहता है, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन, ये सब यानी कौन, यहाँ तो कोई नहीं है। अब लेटर बॉक्स उसको अपने घर की गली का नाम पूछता है, तो लड़की कहती है कि हमारे घर वाली सड़क। तो लेटर बॉक्स लड़की को कहता है कि यह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है, जिसे मुझे सब लालताओं के नाम से पुकारते हैं, लेकिन मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है ना। तो वहाँ पर लड़की लेटर बॉक्स को पूछती है कि सब मतलब यानी कि कौन, सब से कौन है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। लेटर बॉक्स कहता है हड़बड़ाकर, जब लड़की ये सवाल पूछती है तो लेटर बॉक्स हड़बड़ा जाता है और कहता है, हाँ नहीं नहीं यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तू, पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स कहता है, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है। तो लड़की कहती है, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं, सच कोई कोई रोड भी कहता है रोड। लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, यह देख इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। अब यहाँ पर लेटर बॉक्स लड़की के सवाल पूछने पर लेटर बॉक्स हड़बड़ा जाता है और कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही बता रहा था, अगर कोई मुझे ऐसे नाम से पुकारे तो तभी पेड़, खंबा और कौवा सभी ठंडी और लंबी सांस लेते हैं।
तभी लेटर बॉक्स लड़की से बार बार पूछता है कि उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है, यानी कुछ तो नाम होगा उस सड़क का। तो लड़की कहती है कि मुझे तो नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं, कोई कोई उसे रोड भी कहता है। तभी लेटर बॉक्स अपने पेट से लिफाफे निकाल कर लड़की को दिखाता है और कहता है कि जैसे इस पर पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। लड़की कहती है मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बीच में ही कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंभे की तरफ देखती है, वह चुप। लड़की कहती है कौन बोला यह कमाल है, कौन? लेटर बॉक्स कहता है खंभा, जीभ काटकर। नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की कहती है मुझे सुनाई दिया है वहां से ऊपर से। पेड़ कहता है एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की कहती है देखो वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा कहता है मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। लड़की कहती है कौन बोला यह, कौन? कौवा। खंबा कहता है गधा है यह भी। अब लड़की जब कहती है कि मुझे नहीं पता, सच्ची में मुझे नहीं पता कि उस सड़क का नाम क्या है, तो तभी खंबा बीच में ही बोल देता है कि कमाल है। तो लड़की आश्चर्य से खंबे की ओर देखती है, तो खंबा क्या हो जाता है, चुप हो जाता है। तो लड़की कहती है कि कौन बोला यह, कौन बोला यह कमाल है? तो लेटर बॉक्स लड़कियों को कहता है कि नहीं, तुम्हें तो यूं ही लगा होगा, किसी ने कुछ बोला नहीं। तभी लड़की कहती है कि मुझे सुनाई दिया है वहां से ऊपर से कहीं से आवाज़ आई है, आवाज़ तो जरूर आई है, उस पेड़ पर से ही आई है। तो कौवा कहता है कि मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। तो लड़की कहती है कौन बोला यह, कौन बोला? कौवा बोला। तो खंभा कहता है कि गधा है यह भी। पेड़ जब न बोलना हो तो जरूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाले का संतुलन पुनः बिगड़ता है। वह फिर से अपने पांव टिकाती है, घुंघरुओं की आवाज। लड़की कहती है वो देखो 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 कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं, क्या है यह, क्या है, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन? लेटर बॉक्स प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। अब पेड़ कहता है कि जब न बोलना हो तो ही वो बोलता है। तभी पोस्टर पर बनी जो नाचने वाले का संतुलन पुनः बिगड़ जाता है और वो फिर से अपने पांव टिकाती है और तभी घुंघरुओं की आवाज आती है। लड़की कहती है वो देखो देखो कोई नाच रहा है। तो सभी एकटक उसे देखते रहते हैं। तो क्या है यह, क्या है, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन? तो तभी लड़की ये सब बोल रही होती है, तो लेटर बॉक्स कहता है कि देख तू बिल्कुल घबरा मत, यानी लेटर बॉक्स लड़की से कहता है और बड़े प्यार से उसे बोलता है कि तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, यानी कि हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं और गा भी हम ही रहे हैं। तो लड़की कहती है हम ही मतलब कौन, बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स कहता है हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, वह बिजली का खंभा,
यह कौवा भी, वह सिनेमा का पोस्टर। तो लड़की कहती कसम से। अब लेटर बॉक्स लड़की को एकदम प्यार से बोलता है कि तू घबरा मत, हम जो यहाँ पर है वो हमें यहाँ पर बोल भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं, चल भी रहे हैं और गा भी रहे हैं। तो लड़की बोलती है कि हम मतलब कौन, बताओ मुझे जल्दी। तो लेटर बॉक्स कहता है कि हम यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, बिजली का खंभा और कौवा और वह सिनेमा का पोस्टर। तो लड़की लेटर बॉक्स से कहती है कि कसम से। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस पाठ का आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।